एएसपी सूरज राय द्वारा देर रात अवैध तरीके से बेच रहे होटलों पर छापा मारा। मेरठ के भैंसाली बस अड्डे के सामने संचालित होटलों पर सोमवार देर रात एएसपी कैंट सूरज राय ने छापा मारा। एएसपी यहां सादे कपड़ों में ग्राहक बनकर पहुंचे थे। वहीं छापे की भनक लगते ही आसपास के होटलों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। चेकिंग के दौरान एसी के बॉक्स के अंदर रखी हुई अवैध शराब, एसी बॉक्स तोड़कर निकाली गई शराब, वैशाली बस स्टैंड के सामने और आसपास के चार होटलों पर लगाया ताला और एक अनोखी चीज देखने को मिली, ताले की जगह होटल के गेट पर हथकड़ी लगा दी। सर आज होटलों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, किस वजह से चेकिंग अभियान चला गया, क्या पूरा मामला है? ये अवैध शराब के संबंध में अभियान चल रहा था। इसमें थाना सदर की पुलिस द्वारा वैशाली बस अड्डे के सामने सूचना थी कि इन होटल्स में अवैध शराब मिल रही है, इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो यहाँ पे चेकिंग की गई। तो चेकिंग की गई तो लाभ महल, शेर पंजाब और खालसा, इन तीनों होटल में शराब बिकती हुई पाई गई। तो इस संबंध में इन होटलों को सीज किया जा रहा है और संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और कल फील्ड यूनिट की टीम सुबह सुबह यहाँ की जाँच करेगी और उसमें आगे विधिक कार्रवाई करी जाएगी। सर वहीं कुछ युवकों ने पुलिस के साथ में अभद्रता किया, शराबियों ने अभद्रता की है। हाँ, कुछ युवक जो पहले से नशे में धुत थे उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की है, उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई करी जा रही है। सर ये माने कि चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चेकिंग? हाँ, ये पंचायत चुनाव के संबंध में ये अभियान चलाया गया था अवैध शराब का। सर इसमें कोई अरेस्टिंग होगी तो? अभी इसमें 8-10 लोग जो यहाँ से उठाए गए हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और बाकी गिरफ्तारी की जो डिटेल्स है वो बाद में दी जाएगी।